ये लीजिए खाइए। खाइए। ये लीजिए खाइए। खाइए। आप चाहते हैं ना कि आपका बेटा आपकी बात माने, तो फिर चबा चबा के खाइए। ये लीजिए। ये आपके कपड़े। दवाइयां ली? देखो सुनंदा, तुम्हारी प्राथमिकता तुम्हारा स्वास्थ्य होना चाहिए। मैंने महाराजा से बात कर ली, यमुना घर का काम संभाल लेगी, तुम आराम करना। महाशय, लेकिन हां, मेरी पूजा की सारी तैयारियां तुम्हें ही करनी, क्योंकि सिर्फ तुम्हें पता है कि पूजा की सामग्री मैं किस क्रम में चाहता हूं। आखिर इतने सालों से कर रही है जी। और हां, यमुना से पूछ लेना पूजा की सामग्री तुम्हें कहां मिलेगी। और कल सुबह सूर्योदय के समय जब मैं स्नान करके लौटूंगा तो पूजा की सारी सामग्री मुझे तैयार मिलनी चाहिए, इसलिए सूर्योदय से पहले ही तुम्हें उठ जाना है। ठीक है? लेकिन भाऊ, इतनी सुबह सुबह? क्यों नहीं, मेरा पूजा पाठ कर्मकांड सब कुछ सुनंदा के लिए ही तो है। देखो महाराज, हम दोनों पुजारी हैं जी, हम भगवान की पूजा करके अपने हिस्से का पुण्य तो अर्जित कर ही लेते हैं, पर इन औरतों का क्या? ये तो ज्ञानी नहीं होती, पूजा पाठ करके इनके हिस्से का पुण्य तो हम कमाते हैं। लेकिन ये पूजा की तैयारी तो कर ही सकती है ना। देखो मार्सा, हमें औरतों को सेवा शुश्रूषा करने से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो उनके जीवन का उद्देश्य है ना। लेकिन भाव, ये बात तो ठीक ही तो कह रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है तो सच ही होगा।
मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे साथ मेरे पति है, जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अरे मैं तो भूल ही गई, मैं आप सब लोगों के लिए करंजी लाई थी। काकी की हाथ की करंजी खाई है कभी? खा के देखो, बहुत मजा आएगा। खाओ खाओ। औरतें अपने दम पर पुण्य अर्जित नहीं कर सकती है, क्या स्त्रियां पूजा नहीं कर सकती है? साईं कहते हैं, भगवान के लिए किसी भी जीव में कोई अंतर नहीं होता, फिर काका ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? साईं, आपने क्यों खिलाई इतनी नीम की पत्तियां? कुछ भी नहीं रहा पेट में, सब कुछ निकल गया। और नीम की पत्ती खाकर मेरा बेटा मेरी बात कैसे सुनने लगेगा? ये बात आप मुझसे पूछ रहे हैं, जबकि ये उपाय तो मैंने आपसे ही सीखा है। मुझसे? ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ। अभी कुछ ही देर पहले कड़वे वचन बोलकर आप अपने बेटे को सुधारना चाहते थे, और ये भी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका ये तरीका नया नहीं है, पुराना है। पर आपका ये तरीका काम तो नहीं कर रहा है, और इसीलिए बिल्लू को अनुशासन में लाने के लिए आप उसे कड़वी मजबूत तगड़ी खुराक देने की तैयारी में थे। ठीक वैसी ही जैसा कि ये नीम है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। कड़वे वचन बोलने से केवल माहौल खराब होता है, गलतफहमी पैदा होती है, इससे किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जैसे ये कड़वा नीम खाकर आपने वमन कर दिया और आपके पेट में जो कुछ भी अच्छा था वो आहार भी बाहर निकल गया, वैसा ही बच्चों के साथ होता है। वो हमारे कड़वे शब्दों को पचा नहीं पाते हैं, वमन कर देते हैं, और उस वमन के साथ उनके अंदर जो कुछ भी अच्छा होता है, मतलब अच्छे विचार होते हैं, वो भी बाहर निकल जाते हैं। भले ही आपका इरादा बच्चे की भलाई का हो, पर आपके कड़वे शब्द आपके प्रति उसके मन में नकारात्मकता का भाव पैदा करते हैं। इसलिए बच्चे से हमेशा प्यार से, प्रेम से, स्नेह से पेश आइए। सब समझ गया साईं, कर्तव्य तो क्या करता, मैंने अपने पिता से सीखा है। अब मुझे याद आता है पिताजी की कड़वी बातें मुझे कितनी खराब लगती थी, और मैं दुखी हो जाता था। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा इसी कड़वाहट के साथ बड़ा हो और अपने बच्चों के साथ भी ऐसा व्यवहार करे। बिल्लू बेटा मेरे पास आओ। बेटा खेल के साथ पढ़ाई भी जरूरी है, बहुत देर खेल लिया ना तुमने, अब अंदर जाओ पढ़ाई करो। मन लगा के पढ़ाई करोगे ना तो आज शाम को तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। जी बाबा। ठीक है, अब जाओ पढ़ाई करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साईं,
राम जी भला करें। शिव 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 दीवा शिव 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 काकी इतनी जल्दी उठ जाती है। क्षमा करो बजरंग बली, क्षमा करो, गलती हो गई, क्षमा करो बजरंग बली, क्षमा कर दो काकी, क्षमा करो। जमाई लेने पे अपने भगवान से माफी क्यों मांगी, ये तो स्वाभाविक है ना। पर ये भी तो सोचो, बजरंग बली क्या सोचेंगे कि सुनंदा उसकी सेवा करते करते थक गई। अरे वाह, आज तो तुमने कोई गलती नहीं की। अच्छा है, अभी तुम विश्राम करो, मैं मंदिर चला जाता हूं। भाव, हाँ चलिए, मैं आपको मंदिर छोड़ देता हूं। हाँ चल, आइए। भाव, ये दोनों आपके सहायक हैं। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। मैंने आज ही इन दोनों को आपकी सहायता के लिए रखा है। मंदिर की साफ सफाई और व्यवस्था बनाए रखने में ये दोनों आपकी मदद करेंगे। ये अच्छा हुआ, गांव में कोई तो अपनी स्वेच्छा से प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार हुआ है। देखिए, प्रभु की सेवा में कोई भी कमी, कोई भी चूक मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पूजा का हर कार्य विधि पूर्वक और शास्त्र संगत होना चाहिए। मेरी धर्म पत्नी सूर्योदय के पहले ही उठ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पूजा की सामग्री जमा करनी होती है, उसकी तैयारी करनी होती है। कल सुबह से आप लोग सूर्योदय के पहले मेरे घर पहुंच जाएंगे और पूजा की सामग्री यहां मंदिर पर ले आएंगे। मेरे मंदिर पहुंचने से पहले। जी पंडित जी, आप निश्चिंत रहिए, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। शिव शिव शिव। We'll be right back.
रुकिए। ये क्या कर रहे थे आप? तिलक लगा रहा था। रोज ऐसी ही पूजा करते हैं? हाँ। भगवान की सेवा करने का अधिकार सिर्फ पुजारी का होता है। मनुष्य और भगवान को जोड़ने का माध्यम पुजारी है। आपकी प्रार्थना, आपका चढ़ावा, वो प्रभु तक पहुंचाने के लिए मंत्रोच्चार करने पड़ते हैं, अनुष्ठान करने पड़ते हैं, और वो सिर्फ पुजारी ही कर सकता है, और कोई नहीं। ऐसा है क्या? आपसे पहले जो पुजारी यहां की व्यवस्था देखते थे, उन्होंने तो हमें कभी बताया नहीं, ना मानसापति जी ने कभी ऐसा कुछ कहा। देखो, जितनी जल्दी हो सके इस जगह को घेर दो, और जो भी भक्तगण आएंगे वो कतार में आएंगे और मेरे द्वारा ही पूजा संपन्न करेंगे, ठीक है? जी पंडित जी। रुकिए, आप लोग अपने पादत्राण अपने घर पर छोड़कर आएंगे। क्या हुआ? आश्चर्य से क्या देख रहे हैं? भगवान आपके लिए इतना कुछ करते, आप नंगे पांव थोड़ी दूर तक प्रभु के लिए चलकर नहीं आ सकते? बताइए। मालसापति जी, भाऊ, तुम यहां की व्यवस्था संभालते थे ना? जी। इसमें घी क्यों है? तिल का तेल होना चाहिए ना? जी भाऊ। तो फिर ओ भाऊ, कल मैं जब यहां आया तो जल्दबाजी, सब कुछ गलत हो रहा है यहां। अच्छा हो गया मैं यहां पर आया। मुझे यहां आकर एक दिन हुआ है, सिर्फ एक दिन, और इतने कम समय में मैंने ये जाना, मैंने ये पाया कि यहां शिरडी में कोई भी कार्य विधि विधान शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है, और शायद इसीलिए भगवान ने मुझे यहां भेजा है। इसके बाद मैं ध्यान रखूंगा। मैं इस मंदिर का पुजारी हूं, रखवाला हूं, और साथ ही धर्म संरक्षक भी।
आज के बाद यहां पर हर कार्य शास्त्रों के बनाए हुए नियमों के अनुसार ही होगा, क्योंकि यही एक विकल्प है अपने पापों से मुक्ति पाने का, यही एक उपाय है भगवान को प्रसन्न करने का, जो कि इस वक्त बहुत क्रोधित होगा, खिन्न होगा, क्योंकि यहां शिरडी के लोग, यहां के भक्त पथ भ्रष्ट होकर धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, शास्त्रों की अवहेलना कर रहे हैं, प्रथाओं की उपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, सब कुछ यहां की सारी पुरानी परंपराएं बदलेंगी। हर कार्य शास्त्र के नियमों के अनुसार ही होगा और वो मैं करूंगा। अरे सरजू, तुम तो बुरी तरह भीग गए हो। आओ अंदर आओ, आओ। यहां नहीं। अरे तुम्हें तो भीग जाने की वजह से तेज बुखार है, अंदर आओ।
ये मेरे कपड़े अचानक इतनी जल्दी कैसे सूख गए? ये लीजिए, पी लीजिए इसे। अब कैसा लग रहा है? बिल्कुल ठीक लग रहा है साईं। आओ मेरे साथ बैठो। पर तुम्हारी ये हालत हो कैसे गई थी? पापी पेट जो कराए करना पड़ता है साईं। 2 दिन से काम की तलाश में भूखा भटक रहा हूं, न रोटी मिली न काम। आज फिर काम की तलाश में घर से निकला था, अचानक बारिश शुरू हो गई। भीगता भागता एक घर के सामने जाकर रुक गया। अरे मनोहर, बारिश में गर्मा गर्म पकौड़ा खाने का मजा ही कुछ और है। पकौड़े बहुत अच्छे बने भाभी, और ले आओ। हाँ साहेब, साहेब, क्या हुआ? साहेब कोई काम मिलेगा? 2 दिन से कुछ खाया नहीं, बड़ी भूख लगी है। अब इतनी बारिश में तुझे क्या काम दूं? मैं कुछ भी कर लूंगा साहेब। छत ठीक करवानी हो, घर की सफाई करवानी हो, या बाजार से सामान लाना हो, मैं कुछ भी कर लूंगा साहेब। बारिश मेरे काम के आड़े नहीं आएगी। मगर बारिश में तू काम कैसे कर पाएगा? पेट थोड़ी ना मौसम देखता है साहेब, वो तो बस रोटी मांगता है। मजबूरी है साहेब, इसलिए मिन्नत कर रहा हूँ, कोई भी काम दे दीजिए। मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि मौसम का तुझ पे कोई असर नहीं होगा? चाहे कितनी भी बारिश हो, चाहे कोई सा भी मौसम हो, तू कभी भी कोई भी काम कर सकता है। और बीमार पड़ गया तो? और काम छोड़ के भाग गया तो? नहीं साहेब, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं किसी भी परिस्थिति में काम कर सकता हूँ साहेब। अरे मनोहर, बारिश का मजा लो, कहाँ उससे बहस कर रहे हो, हकाल दो उसे। कोई भी काम दे दो साहेब, कुछ भी, मैं कर लूंगा साहेब। यकीन ना हो तो शर्त लगा लीजिए। शर्त? देखा मनोहर, मुंह लगाने का ऐसा अंजाम होता है। अरे जिसकी खुद की खाने की औकात नहीं, वो तुमसे शर्त लगाने की बात कर रहा है। अरे अपनी हालत तो देख तू, अगर शर्त हार गया तो तू क्या देगा? गरीब की जुबान ही उसकी पूंजी होती है साहेब, मैं कह रहा हूँ ना, मैं हारूंगा नहीं। ठीक है, अब तो मुझे भी देखना है कि तुझ में कितना दम है। तुझे बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस खड़े रहना है वहां इस बारिश में। मैं भी देखना चाहता हूं कि तू कितनी देर तक बारिश में खड़ा रह सकता है। और हाँ,
तुझे ना तो खुद को किसी चीज से ढकना है और ना ही कहीं से गर्मी लेनी है। अगर बारिश खत्म होने तक तू खड़ा रहा तो मैं तुझे सोने के दो सिक्के दूंगा। ठीक है साहेब, आप जैसा कहेंगे मैं कर लूंगा, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। लगभग आधा पहर बारिश होती रही साईं, और मैं खुले आसमान के नीचे खड़ा भीगता रहा। मेरा शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी। फिर तो वादे के मुताबिक मनोहर ने तुम्हें दो सोने के सिक्के दिए होंगे। नहीं साईं, जब बारिश रुकी तो उन लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं कैसे इतनी देर तक खुले आसमान के नीचे बारिश में खड़ा रहा। तब मैंने उन्हें बताया कि जब मैं भीग रहा था तो मैं उस आग को देख रहा था जो उन लोगों ने जलाई थी, और वो लोग जो पकोड़े खा रहे थे उन्हें देखकर मैं ये कल्पना कर रहा था कि उन पकोड़ों की गर्माहट मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। मैं भूखा नहीं हूं, मैं उन पकौड़ों को खा रहा हूं। यही सोच सोच कर मैं बारिश में खड़ा रहा, और मेरे ये बताने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, यानी तूने इस आग से गर्मी ली और हमारे पकौड़े खाने की कल्पना करके अपनी भूख मिटाई। शर्त के मुताबिक तो तुम्हें कहीं से गर्मी या उष्मा नहीं लेनी थी, इसका मतलब तुम शर्त हार गए। चलो निकलो यहां से। ये तो गलत किया उन्होंने साई। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है बीवा। मनोहर और उसके साथियों के पास जाओ और उनसे कहना कि साईं ने तुम्हें अभी द्वारका माई में दावत पर बुलाया है, और हां, इसके अलावा एक शब्द भी मत कहना। जी साईं। साईं, उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया और आप उन्हें दावत में बुला रहे हैं। सबूरी सरजू, सबूरी। तुम ऐसा करो, बाजार जाकर अपने लिए काम ढूंढो, और जैसे ही काम मिल जाए मुझे आकर बताना। और हां, तुम भी एक बात याद रखना, जैसे उन लोगों ने तुम्हारे हक के पैसे ले लिए, तुम किसी का कुछ मत लेना। ठीक है साईं। कमाल है, साईं से कहा कि मैं दो दिन से भूखा हूं तो उन्होंने मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम।
नमस्कार। प्रणाम भाटी जी। प्रणाम प्रणाम। कैसे चल रहा है विद्यालय? सब अच्छा चल रहा है। नए पंडित जी नियमों के बड़े पाबंद है। कहते हैं आम लोगों को भगवान की मूर्ति छूनी नहीं चाहिए, मूर्ति के करीब जाना नहीं चाहिए। हाँ, महालसापति जी ने बताया था मुझे अपने इस भाई के बारे में। कह रहे थे शास्त्रों का बहुत ज्ञान है ही नहीं, लेकिन एक बात माननी होगी, मारुति का मंदिर आज से पहले इतना साफ सुथरा कभी नहीं था। हाँ पाटिल जी, और सब कुछ कितना व्यवस्थित है। देखते हैं। पंडित जी, जी ये लीजिए प्रसाद। हमने भगवान से मन्नत मांगी थी कि हमारे पोते को नौकरी लग जाएगी तो हम भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे। अरे वाह। भगवान तो मन्नत पूरी करने के लिए ही होते हैं। शिव शिव शिव। ये कैसा प्रसाद है? ये रोटी के लड्डू हैं पंडित जी। वो तो मैं देख रहा हूं, लेकिन आपके रोटी के लड्डू मैं नहीं चढ़ा सकता। अगर आपको चढ़ावा चढ़ाना ही था तो आप बूंदी के या बेसन के लड्डू ले आते या गुड़ की भेली ही ले आते। लेकिन पंडित जी, हनुमान जी को हम रोटी भी तो चढ़ाते ही हैं ना, और मैं तो सालों से मंदिर में यही लड्डू चढ़ाती आई हूं। शिव शिव शिव, घोर अनर्थ। देखिए शास्त्रों में सही सही और साफ साफ लिखा है भगवान को क्या दिया जाता है और क्या नहीं दिया जाता। और ये तो बची हुई रोटी के लड्डू हैं, ये वर्जित है, ये मैं नहीं दे सकता, इससे भगवान क्रोधित हो जाएंगे, भगवान का अपमान होगा। पंडित जी अगली बार से ले आएंगे। अभी बेसन के लड्डू लेने बाजार गए तो आते आते देर हो जाएगी, और वैसे भी हम बाकी मंदिरों में तो यही प्रसाद चढ़ाते हैं। बाकी जगहों पे क्या होता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे मंदिर में सब कुछ शास्त्र सम्मत होगा। पुजारी का क्या कर्तव्य होता है? भक्तों को सही मार्ग दिखाना, विधि को समझाना, है ना? अगर कर्म कांड में गलती हो गई तो प्रभु तो नाराज हो जाएंगे। भगवान ने आपके पोते को नौकरी दिलवाई है, आप लोग लड्डू नहीं चढ़ा सकते, बल्कि लड्डू तो हनुमान जी को बड़े प्रिय हैं। भगवान से डरिए, अगर भगवान क्रोधित हो गए तो आपको, आपके पोते को, आप सबको श्राप दे देंगे। नहीं नहीं पंडित जी, शुभ शुभ बोलिए। आप ठीक कहते हैं, हम ये लड्डू वापस ले जाते हैं और बाजार से बेसन के लड्डू लेकर आते हैं। पाटिल जी, अब मैं निकलता हूँ, बाजार जाकर मुझे कुछ खरीदारी करनी है, बरसात शुरू हो जाएगी तो फिर से मुश्किल हो जाएगी। हाँ, खरीदारी तो मुझे भी करनी है, साथ में चलते हैं। चलिए श्रीकांत जी। चलिए चलिए चलिए।
प्रणाम साई। प्रणाम साई। राम जी भला करे। आप लोगों का स्वागत है, आपकी ही प्रतीक्षा थी मुझे। शुक्रिया साई, हमें तो जब भीमा ने बताया तो विश्वास ही नहीं हुआ कि आपने हमें दावत पर बुलाया है। आज खिचड़ी खाने का मन था तो सोचा आप लोगों के साथ ही खाई जाए। बहुत अच्छा सोचा साई, आपके हाथ की खिचड़ी में जो स्वाद है वो तो राजा महाराजाओं के 56 भोग में भी नहीं है। आप लोग वहां बैठ के थोड़ा इंतजार कीजिए, खिचड़ी पकने में भी थोड़ा वक्त है। हाँ हाँ साई, वैसे भी अभी हमने थोड़ी देर पहले गर्मा गर्म पकड़ों का आनंद लिया है, अभी थोड़ी देर तो इंतजार कर ही सकते हैं। बैठिए। शुक्रिया। मनोहर, पतीला तो वहां जमीन पर रखा है तो खिचड़ी कहां बन रही है? शायद साई ने पहले से ही बनाकर रखी हो, आप निकालने के लिए बर्तन जमीन पर रख दिया होगा। और तुझे भूख लगी है क्या है? कितने सारे पकोड़े खाकर आया है, चुप बैठ और इंतजार कर। तुझे कौन सा घर जाके पहाड़ तोड़ना है जो परेशान हो रहा है?